हाँ नॉमिनेशन हो गया, एक सेट में नॉमिनेशन कर दिया है, दूसरा सेट में सभी लोगों के साथ अभी करूँगा। तो अभी क्या जुलूस के साथ आएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ? अब कार्यकर्ता और सब सीनियर साथियों के साथ आएंगे हम लोग। किन मुद्दों को लेकर निकले हो आप मेयर पद के चुनाव के लिए? मेयर पद के चुनाव के लिए जो वाटर टैक्स, जो हाउस टैक्स जो बहुत अधिक आ रहा है, बहुत आ रहा है, उसको हाफ कराने की कोशिश करूँगा और वाटर टैक्स माफ़ करने की कोशिश करूँगा। शहर की सड़कें जो ख़राब हैं, जिससे जनता को बहुत परेशानी होती है, और हाउस टैक्स इतना दे दिया है कि त्राहे त्राहे मची हुई है। दूसरी, लाइटिंग व्यवस्था ख़राब है, क्योंकि रोडें हैं नहीं है तो लाइटिंग व्यवस्था ख़राब है। तीसरा, व्यापारियों के लिए जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो अपना दुकान खोले बैठे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, अगर थोड़ा सा सामान बाहर रख देते हैं तो प्रशासन 5,000 का उनका चालान कर देता है। इससे पूरे व्यापारियों में रोष है। दूसरा, भ्रष्टाचार को मुक्त करूंगा और पूरी तरह नगर निगम को साफ़, सुंदर, स्वच्छ और उनको साफ़ करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह आपने देखा है कि आज जो है, पिछले कई सालों से शहर में नालों की उफनाई हो रही है, बरसात में नाले भर जाते हैं, पूरी कॉलोनियाँ भर जाती हैं और नाले की सफाई हुई नहीं है, जिससे कि जनता में बहुत रोष व्याप्त है। और रोडें जो है, लोगों के कमरे में एक एक फुट पानी भर जाता है। तमाम इंद्रपुरी के लोगों ने भी धरना दिया है और कैलाश एजेंसी के पास एक कॉलोनी है, उसमें भी लोगों ने किया है। तमाम भराव जो है शहर में होता है, जो कागजी पर होता रहा है, अगर जनता का आशीर्वाद और विश्वास मुझे प्राप्त हुआ तो मैं वो सभी मुद्दे पर उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा, जिसमें जनता को परेशानी ना हो। डॉक्टर रघुवीर चौधरी का टिकट कट गया था, आपको मिल गया था, तो क्या वो आपके साथ हैं? हाँ, रघुवीर चौधरी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं।